संसार में आपको ऐसे कई लोग मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि क्या करना है, किंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या नहीं करना। आज मैं आपको ऐसी ही तीन बातें बताने वाला हूं जो आपको आपके जीवन में नहीं करनी है। पहली बात, आनंद में कभी वचन मत दो। आनंद आपके तर्क को हर लेता है और फिर आनंद में दिया गया ये वचन बाद में गले की फांस बन जाता है। दूसरी बात, कभी भी क्रोध में उत्तर मत दो। क्रोध आपके विवेक को खा जाता है, भविष्य दृष्टि को बाधित कर देता है और फिर कुछ क्षण के लिए आया ये क्रोध, इसमें दिया गया उत्तर बाद में जीवन भर के लिए प्रश्न बन जाता है। और तीसरी बात, कभी भी दुख में निर्णय मत। दुख आपके सोचने समझने की क्षमता को सीमित कर देता है और दुखी मन से लिए गए निर्णय सदा दुख ही देते। सच कहा जाए तो वचन, उत्तर और निर्णय कभी भी जीवन में सोच विचार करके ही लेने या देने चाहिए। सोच विचार करके कार्य करोगे तो इस संसार में किसी भी समस्या का हल बूझना नहीं पड़ेगा। राधे राधे। आज मैं आपसे तीन प्रश्न पूछूंगा। तो पहला प्रश्न, ऐसा कौन है जिस पर लगातार प्रहार करने के पश्चात भी वो मुस्कुराए और आपको सुख दे? आपका उत्तर होगा धरती या वृक्ष। दूसरा प्रश्न, ऐसा कौन है जो बिना आपके कुछ कहे सब जान जाता, सब समझ जाता है और फिर निस्वार्थ भाव से आपकी सहायता करता? अब आपका उत्तर होगा भाई या मित्र। और तीसरा प्रश्न, ऐसे कौन से भगवान है जो स्वयं विष का घूंट पीकर आपको जीवन का अमृत प्रदान करते हैं? अब आपका उत्तर होगा महादेव। यदि आपके उत्तर ये हैं, तो आपके उत्तर गलत है। इन सारे प्रश्नों का एक ही सही उत्तर है और वो है मां। स्तनपान करते समय आपने उन्हें कितनी लात मारी, किंतु फिर भी मुस्कुरा के वो आपको आशीष देती रही। आपके बिना कुछ कहे वो सब जान जाती है और इस जीवन की कठिन परिस्थितियों के विष का घुट पीकर आपको सुख का अमृत देती। इस जीवन में आप कुछ भी कर लीजिए, अपनी माँ का ऋण कभी चुका नहीं पाए। यदि कुछ कर सकते हैं तो जीवन के आनंद में, उद्भव में और धन्यवाद में अपनी माँ को स्मरण रखें और मेरे साथ प्रेम से कहें राधे।